इस वीडियो को आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ काम किया है, जिनका पैगाम है जैसे कि आप सब लोग जानते हैं नहीं जी। तो जैसे कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वहाँ T20 मैच में एक बार फिर पाकिस्तान की कांपे टांग के जो कि मैच हारने का सबब बनी। और इसके अलावा पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो पाकिस्तान की बैटिंग का स्टार्ट बहुत अच्छा था, जैसा कि बाबर आजम रिजवान ने बहुत अच्छा स्टार्ट लिया बैटिंग का। बाबर आजम बहुत अच्छी क्लासिक शॉट्स खेली, ये कट, ये छक्का, ये चौका और क्या क्लास की एक एक्स्ट्रा कवर छक्का मारा उसने, कमाल का छक्का था। और इसके अलावा रिजवान ने जो एक छक्का और चौका मारा तो इस तरह लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान आज 200-250 बनाएगा और काफ़ी दुर्गत बनाएगा ऑस्ट्रेलियंस की। हमें क्या पता था कि ऊपर से ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के बैट्समैन की काफ़ी दुर्गत बनानी है। रिजवान आउट हुआ तो साथ ही माशाल्लाह से पाकिस्तान की लाइन लगी है एज यूजुअल, जिस तरह पाकिस्तान की रूटीन और जिस तरह पाकिस्तान की टीम जानी जाती है। तो ये चीज़ हम भूल गए थे, ये पाकिस्तानी टीम है जो दकाती सज्जी और मारती कब भी है, एक आ रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा आ रहा है, चौथा जा रहा है, लाइन लगी हुई है, पता नहीं क्या ड्रामा लगा हुआ है। जैसे कोई पीछे चेक नहीं करने आते, हाँ यार ठीक, ओके पीच ठीक है, ओके बाय मैं जा रहा हूँ, या कोई ड्रेसिंग रूम में कोई चीज़ बांट रहा है कि जल्दी से जाकर उस चीज़ को ले लें ताकि उस चीज़ से हम महरूम ना हो जाए। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को क्या कमाल की कैचिंग प्रैक्टिस कराई है, और इस तरह की कैचिंग प्रैक्टिस तो उनके कोचेज भी उनको प्रैक्टिस सेशन में करवाते होंगे, जिस तरह की कैचिंग प्रैक्टिस उन्होंने मैच के दौरान पाकिस्तान ने करवा दी ऑस्ट्रेलियंस को। और इसके हट के ऑस्ट्रेलिया ने कैचिंग प्रैक्टिस की भी बहुत अच्छी, जिस तरह की स्टोन ने क्या कमाल का कैच पकड़ा और बाकी भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे उन्होंने कैच पकड़े हैं। पाकिस्तान की बॉलिंग की बात की जाए तो आते ही पाकिस्तान के बॉलर्स की दुर्गत बननी शुरू हो गई। पावर प्ले में क्या शॉटें खेली फिंच ने और साथ हेड ने, फिंच ने आते ही छक्का चौका ये कट और क्या कमाल की बैकफुट ड्राइविंग मार रहा था फिंच, और पूरी इनिंग्स उसने बहुत अच्छी खेली फिंच ने। और पाकिस्तानी बॉलर्स तो कमला गए थे कि पता नहीं क्या हो रहा है हमारे साथ। शुरू के ओवर्स में से 6-7 ओवर्स में भी 70-80 स्कोर बना दिए थे ऑस्ट्रेलिया ने, जैसा लग रहा था कि जैसे ऑस्ट्रेलिया ऐसे ही 10 ओवर्स में या 15 ओवर में मुकम्मल कर देगी स्कोर। तो थोड़ा सा बाद में स्टे आया, पाकिस्तानी बॉलर्स को अकल आई तो उन्होंने थोड़ा सा लाइन लेंथ पर बॉल करनी शुरू की। और उस्मान कदर की बात की जाए तो जिसको जी बेस्ट बॉलर का अवार्ड भी दिया गया, तो मेरे हिसाब से उसने इतनी लाइन लेंथ पर बॉल नहीं की, जो भी लाइन में बॉल करता था वो उस पर आउट होता था बैट्समैन। तो देखा जाए तो इतनी लाइन लेंथ पर बॉल नहीं की, ज़्यादातर बॉलर कोई पीछे टप्पा, कोई बॉल फोल्डर्स मार दी। अगर लाइन लेंथ पर करता तो पाकिस्तान की जो सिचुएशन थी कुछ और होनी थी, शायद मैच पाकिस्तान जीत जाता। पता नहीं उसको किसी ने कहा था कि जी अगर लाइन लेंथ पर बॉल की तो आउट हो जाएंगे ये, तो आउट होंगे तो पाकिस्तान जीतेगा, तो पाकिस्तान जितवाना नहीं हमने, तो आपने लाइन लेंथ पर बॉल नहीं करनी, आपने कोई आगे कोई पीछे अगर कोई कदी लाइन लेंथ पर कर भी दी तो कोई नहीं। शाहीन अफरीदी की बात की जाए तो शाहीन अफरीदी जैसा कि शुरू में बॉलिंग शुरू की तो ऐसा लग रहा था कि जैसे वो भाई नींद में बॉल कर रहे हैं, और बाद में जैसे उनको जाग आ गई, दे तेरी की विकेट, दे तेरी की विकेट, कभी इधर से कभी इधर से, तो जिस तरह उसको होश आ गई है भाई मैच में वापस आ गया। जहाँ तक वसीम जूनियर की बात है तो क्या कमाल की उन्होंने स्पीड निकाली, क्या कमाल की उन्होंने बॉलिंग की, और दो तीन जो बैट्समैन थे ऑस्ट्रेलियंस उनके डंडे किए तो क्या कमाल के वो डंडे किए यार। मुझे तो लग रहा था जो उस्मान कादर को उन्होंने इनाम दिया उससे हट के अगर वसीम जूनियर को दिया जाता तो वो ज़्यादा अच्छा था, क्योंकि वसीम जूनियर ने ज़्यादा अच्छी बॉलिंग की। और आर एस रऊफ माशाल्लाह जब एंड पे एक ओवर पे चार रहता था तो ऑफ स्टंप पे बॉल कराओ, आप अंदर बॉल कराओ, आप क्या उधर फील्ड पे लेने चले गए, उधर भाई एक बॉल पे चार स्कोर करा लिया और मैच ऑस्ट्रेलिया जीत गया। ओवरऑल पाकिस्तान ने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है इस पूरे मैच में, देखा जाए तो बैटिंग बस ठीक थी और बॉलिंग भी बस नॉर्मली थी। आगे मज़ीद जब सीरीज़ होंगी तो उम्मीद है इंशाल्लाह वो अच्छे से अच्छा परफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया 24 साल बाद पाकिस्तान में आई है तो बहुत अच्छे तरीके से मेहमाननवाजी की है पाकिस्तान ने। माशाल्लाह जब पिचेस टेस्ट शुरू हुआ तो पिचेस कमाल की बनाई हुई थी, इतनी सुस्त पिचेस की पर्सनली मुझे मैचेस देखते हुए बड़ी बार नींद आई, इतनी सुस्त पिचेस के ऑस्ट्रेलियन भी कहते हैं कि यार चलो इधर ही बैट लगा के ना इधर ही सो जाएं, इतनी सुस्त पिचेस और डेड पिचेस हैं यार। इवन ऑस्ट्रेलियन कुछ पास के जो क्रिकेटर थे उन्होंने बोलना शुरू कर दिया था कि यार इतनी डेड पिचेस, इवन स्मिथ ने भी एक इंटरव्यू में और वार्नर भी एक इंटरव्यू में कहा था कि यार इतनी डेड पिचेस हैं ये। उम्मीद है अब इंडिया के बाद कराची में अच्छी होंगी, कराची भी अच्छी नहीं हुई, फिर उम्मीद थी कि लाहौर में अच्छी होगी, लाहौर में भी पिचेस अच्छी नहीं थी, तो मतलब ओवरऑल टेस्ट में सुस्त और डेड पिचेस थी। तो इसके अलावा ओडीआई में फिर उससे थोड़ी सी बेहतर थी और T20 में उससे थोड़ी सी बेहतर थी,
तो देखा जाए तो पाकिस्तान की बहुत अच्छे तरीके से मेहमानवाजी की इन्होंने ऑस्ट्रेलियंस की। 24 साल बाद आए थे तो यार इवन आप लोग कम से कम पिचेज अच्छी बना लेते, ताकि ओवरऑल काफ़ी अच्छी सीरीज रही है। अल्लाह करे आगे भी टीमें अच्छी से अच्छी टीमें आए, इंग्लैंड न्यूजीलैंड बाकी टीमें आए, ताकि और ज़्यादा ये अपने जो ग्राउंड का और पिचेस का क्वालिटी और बढ़ा सकें। तो मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़। हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं माज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और इन्हें सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट्स करें। थैंक यू।